हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ये जो कॉर्ड्स हैं, गिटार कॉर्ड्स, वो ये जो सॉन्ग है गुरु रंधावा का इश्क तेरा। सो आज कुछ कॉर्ड्स जो है एंड जो पिकिंग पैटर्न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, बहुत ही सिंपल सा इजी सा लेसन है। तो इसमें दो चार कॉर्ड्स हैं जो आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं कॉर्ड्स बताऊँगा, देन उसके बाद जो भी पिकिंग पैटर्न इसमें यूज़ हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लेकिन उस शेयर करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। और गाइस, तो सबसे पहले कि जो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कौन से स्केल में ये जो सॉन्ग है इसमें गाया है उन्होंने, और जो सबसे पहला कॉर्ड है वो बनेगा आपका एफ शार्प, जो ओरिजिनल स्केल है। लेकिन आज मैं आपको ई से बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या बिगनर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें ओपन में अगर बताया जाए तो वो उनके लिए इजी रहता है प्ले करना, और जो पिकिंग पैटर्न है वो भी बहुत सिंपल सा ही है जो आज मैं बताऊंगा। तो अगर आप फिर भी अगर आपने ओरिजिनल स्केल से प्ले करना हुआ तो आप जो मैं कॉर्ड आपको बताऊँगा तो देन आप सेकेंड फ्रेट पर कैपो लगा के वो प्ले कर सकते हैं, ताकि आप जो सेम स्केल है, जो ओरिजिनल स्केल है, उस पर आप गा सको, बजा सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉर्ड जो आपको चाहिए उसके लिए तो वो है ई मेजर कॉर्ड, ई मेजर कॉर्ड। और जो सेकंड कॉर्ड है इसमें वो है एफ शार्प माइनर कॉर्ड, एफ शार्प माइनर कॉर्ड, जो आप प्ले कर सकते हैं बार पोजीशन में कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ई स्केल में भी कोई ऐसी पोजीशन है नहीं जो हम एफ शार्प माइनर के लिए ओपन में लें। अगर आप बी कॉर्ड प्ले कर सकते हैं इसकी जगह पे, बी कॉर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे जो अगर बनता है यहाँ पे एफ शार्प माइनर है। और एक कॉर्ड अगर आप कुछ जानते हो तो जैसे सस्पेंडेड कॉर्ड्स कुछ होते हैं तो वो भी इसमें यूज़ होते हैं, लाइक एफ शार्प सस्पेंडेड, सस्पेंडेड टू कॉर्ड है ये एफ शार्प सस्पेंडेड टू। अगर आप यूज़, मैं बताता हूँ आपको आगे कि कैसे कहाँ पे आपने यूज़ करना है, अगर आप कर पाए तो कर लेना, अदरवाइज आप एफ शार्प माइनर या फिर बी कॉर्ड लगा के ही अगर आप प्ले करना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ई, सेकंड एफ शार्प माइनर, थर्ड इज बी, बी कॉर्ड, और एक कॉर्ड और आपको चाहिए, जो कॉर्ड वो अगर कुछ लोग बजा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा भी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है सी शार्प माइनर कॉर्ड, वो भी बार पोजीशन में ही आएगा सी शार्प माइनर कॉर्ड, अदरवाइज आप इसकी जगह पे ए मेजर कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ए की जो कंडीशन बनती नहीं है इस सॉन्ग में, बट अगर नहीं कर सकते तो फिर कोई और हल है नहीं, तो आपने फिर ए कॉर्ड ही प्ले करना है। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई बी कॉर्ड भी नहीं प्ले कर सकता तो ई की कंडीशन में आप जैसे आप ए ओपन में प्ले करते हैं, ऐसे सेम फिंगर्स जैसे आप ए प्ले कर रहे हैं, सेम फिंगर्स आप आगे ले जा सकते हैं बी कॉर्ड के लिए, तो आप प्ले कर सकते हैं ये, अगर आप बी बार में नहीं कर सकते तो। मीन्स अगर आप एफ शार्प माइनर की जगह कोई कॉर्ड लगाना चाहते हैं तो आप ये बी लगा सकते हैं, ओपन में ही है ये भी आप लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तीन चार कॉर्ड्स हैं जो आपको चाहिए, ई, एफ शार्प माइनर, बी, सी शार्प माइनर, और जो नहीं लगा सकते उनके लिए ए एंड ओपन में ही बी। ओके गाइस, तो अभी जो इसका जो पिकिंग पैटर्न है वो बड़ा सिंपल सा मैंने बनाया, तो आप अगर यूज़ करो तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और ये फिंगर स्टाइल में ही है, मैं इसमें प्लक्ट्रम नहीं यूज़ कर रहा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने जो कॉर्ड आप इधर आपने जो भी कॉर्ड प्ले करना है, लाइक अभी मैं ई कॉर्ड प्रेस कर रहा हूँ, तो आपने उसका बेस नोट देना है थंब से, और बाकी बीच वाली स्ट्रिंग्स जो भी आप प्रेस कर रहे हो या फिर उसमें नहीं भी प्रेस कर रहे हो वो भी चलेगा। मीन्स अगर आप नीचे वाली तीन स्ट्रिंग्स देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं, अगर ऊपर से मतलब फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो थंब है वो उसके बेस नोट पे रहेगा, लाइक ई कॉर्ड में ई बेस स्ट्रिंग आपने प्ले करनी है। और अगर आप एफ शार्प माइनर कॉर्ड कर रहे हैं तब भी ये सिक्स्थ स्ट्रिंग पे एफ शार्प बेस में आएगा, तो आपने ये प्ले करना है।
अगर आप बी कॉर्ड प्ले कर रहे हैं तो इसके बेस नोट जो है वो फिफ्थ स्ट्रिंग पे बनेगा, लेकिन बार पोजीशन में बनेगा ये, लाइक बार पोजीशन में फिफ्थ स्ट्रिंग पे बी नोट आएगा आपका, तो आपने थंब से वो देना है। और आप सभी कॉर्ड्स में नीचे वाली स्ट्रिंग सेम ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो पिकिंग पैटर्न है वो बनेगा प्लक प्लक स्लैप प्लक। ये अभी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्ले करूँगा तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, वो मैं बाद में बता भी रहा हूँ आपको। तो फिलहाल आपने करना है सबसे पहले एक सिंगल प्लक, देन उसके बाद अगेन प्लक, देन स्लैप एंड अगेन प्लक। मीन्स प्लक मीन्स आपने स्ट्रिंग्स को पुल करना है, ठीक है, और स्लैप मीन्स आपने स्टॉप करनी है उसकी साउंड, लाइक ये एक राउंड है। और सेकेंड राउंड इसका फिर से अगेन आपने प्लक एंड स्लैप प्लक, और ये जो स्लैप प्लक है आपने एक साथ ही लेना है। तो इसका पूरा पैटर्न जो बन रहा है प्लक प्लक स्लैप प्लक प्लक स्लैप प्लक, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इसकी आप बहुत बड़ी इजीली आप इसको प्ले कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ कुछ खास करने की। लेकिन सॉन्ग बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मतलब कंपोजिशन भी और लिरिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए ये सॉन्ग मुझे अच्छा लगा। तो फिर उसके लिए मैंने ये लेसन बनाया कि आप लोग भी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि कैसे आप इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, कौन सी की आपने चूज़ करनी है वो आप कर सकते हैं। मैं ई में बता रहा हूँ, तो आप एफ शार्प अगर ओरिजिनल में जाना चाहते हैं, एफ शार्प मेजर में ये स्केल है इसका जो मेन स्केल है, तो आप कैपो लगा सकते हो वहाँ पे सेकंड फ्रेट पे। और गाइस, तो अभी मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी लाइन पे कौन कौन सा कॉर्ड आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है मैनू पहली पहली बार हो गया, लाइक जो फर्स्ट है आपने ई कॉर्ड पे ही देना है, एफ शार्प माइनर आप अगर प्ले कर सकते हैं। वैसे बनता यहाँ पे एफ सस्पेंडेड टू है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, देन बी हाय बेला बेला प्यार हो गया, ई बैक टू ई। और अगर आप एफ शार्प माइनर भी नहीं प्ले कर सकते तो बी आप ओपन में ले सकते हैं, लाइक मैनू पहली पहली बार हो गया, हाय पहला पहला प्यार हो गया। ओके, और अगर आप सेकंड लाइन प्ले कर रहे हो, दिल तेरे बिना लग रहे, दिल सेम कॉर्ड्स आपने प्ले करना, दिल तेरे बिना लगता नहीं, दिल हथों बार हो गया। मींस ई एफ शार्प माइनर बी एंड ई, ये चार कॉर्ड्स हैं जो फर्स्ट फोर लाइंस में लगेंगे। तो आप, आपको वीडियो में दिख भी रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। देन और यहाँ पे आपने सिर्फ ये सिर्फ डाउन स्ट्रोक लाइक आपने ये सिंगल टाइम प्लग कर लिए स्ट्रिंग्स, जो भी कॉर्ड आप दे रहे हैं यहाँ पे। देन जब वो स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट लाइन इश्क तेरा इश्क मैन, वहाँ से आप जो है ये पिकिंग पैटर्न स्ट्रमिंग पैटर्न आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक इश्क तेरा इश्क मैन सुन ना मेरे, इश्क तेरा रोने ना देवे। तो यहाँ पे जो कॉर्ड्स आ रहे हैं उसमें आएंगे ई इश्क तेरा, और तेरा पे आए इश्क तेरा इश्क मैनू, ई पे ही रहेंगे। जब बोल रहे हैं सोन ना देवे, सोन सोन पे आप ये देंगे एफ शार्प माइनर, और जो नहीं प्ले कर सकते सेम एज इट इज बी कर सकते हैं आप, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है एफ शार्प माइनर। ओके, इश्क तेरा इश्क मैनू सुन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू रोने ना देवे। तो आप ये चार कॉर्ड्स और ये पिकिंग पैटर्न आप प्ले कर सकते हैं इसमें। गाइस, तो जो नेक्स्ट है इसके बाद थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल ब्रेक आती है, तो जो पीस वर्क है वो आएगा। देन उसके बाद जो अंतरा है इसका स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा जो है वो आएगा, जो जो तू बोलेंगी वो मैं कर जाऊंगा। तो इसमें गाइस क्या है, स्टार्टिंग आप ई से करोगे, जो जो तू बोलेंगी वो मैं, यहाँ पे सी शार्प माइनर कर जाऊंगा, सी शार्प माइनर बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं आप प्ले कर सकते हो, देन आप ए लगा सकते हो, ए लगा सकते हो आप,
जो जो तू बोलेगी वो मैं कर जाऊंगा, और देन उसके बाद हंसते हंसते पे आपने लगाना है बी, और बी आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, जहाँ से आप कंफर्ट हो, मीन्स जहाँ आपको इजीली मतलब करने में लगता है कि हाँ यार यहाँ मैं कंफर्ट हूँ, इजीली मुझसे यहाँ प्ले होता, तो आप वहाँ से करेंगे। यहाँ ये नहीं कि मैंने यहाँ बताया तो आप यहीं पर करेंगे या यहीं करेंगे, ठीक है, कॉर्ड्स यहीं हैं, पोजिशन आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। वैसे ये भी वाली बुरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, तो इस पर आप करो, ज़्यादा अच्छा है। सो जो जो तू बोलेगी वो मैं कर जाऊंगा, हंसते हंसते प्यार दे बीच मैं मर जाऊंगा पे आपने ई को मारना है, लाइक ई पे ई कॉर्ड आएगा वहां पे, ठीक है। सो जो जो तू बोलेगी ई वो मैं कर जाऊंगा, सी शार्प माइनर और ए जो भी आपको ठीक लगे। देन हंसते हंसते बी, हंसते हंसते प्यार दे विच मैं मर जाऊंगा, लाइक ई पे आएगा, ठीक है गाइस। तो सेम ही रिपीट हो रही है नेक्स्ट लाइन भी, और उसके बाद आ रहा है पर प्यार तेरा मैनू कुछ होने ना दे दे, मतलब ई पे आएगा, पर प्यार तेरा मैनू कुछ होने ना दे दे, एफ शार्प माइनर, इश्क तेरा इश्क मैनू सोने ना दे दे, बी एंड ई सेम एज इट इज जो पहले गया था, इश्क तेरा इश्क मैनू, सेम कॉर्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, थोड़े से लिरिक्स ही चेंज है लेकिन कंपोजिशन सेम है। और जो नेक्स्ट स्टैंजा है सेम एज इट इज़, आप सेम कॉर्ड्स उसमें भी अप्लाई करोगे, सिर्फ लिरिक्स चेंज है, और हमने क्या करना है, हमने सिर्फ कंपोजिशन को फॉलो करना है। ओके गाइस, सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।